तो नमस्कार, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो भाई, आज जो हम स्विगी का काम कर रहे हैं, तो स्विगी में हम जो ऑर्डर करेंगे तो देखते हैं कि आज हमारा किस तरीके से काम होता है। अभी भाई 12 बजे के बाद जो अभी केवल एक ऑर्डर हुआ है, और अभी यानी पार्सल वाला था, तो उस पर 30 रुपये का हमारा पार्सल नहीं, 10 रुपये इंसेंटिव चल रहा है आज, और 20 रुपये पर ऑर्डर। तो हमारा 2 किलोमीटर का अप्रॉक्स था उसमें कि हमने डिलीवर किया, और अभी तक जो है हमको मात्र 30 रुपये की एक घंटे में कमाई हो पाई है। फाइनली हम देखते हैं टोटल आज जो है 11 घंटे काम करेंगे, 12 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने का हमारा काम होता है, कितना हम टारगेट जो अचीव कर पाते हैं, और जो भी होता है फिलहाल कितनी हमारी बाइक वगैरह चलेगी, और अर्निंग हमारी कितना जो हो सकती है, इंसेंटिव कितना मिलेगा, सब कुछ टोटल जो है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। पहला ऑर्डर आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारा पहला ऑर्डर रहा है, जो कि कितना ड्रॉप है, डिस्टेंस रहा है आप लोग पूरा कंप्लीट। तो चलो, आज जो है पूरा वीडियो बने रहें लास्ट तक, और पूरे दिन जो है काम करके देखने वाले कि भाई देखो, अभी यार जो है 1:35 हो गया, अभी तक ऑर्डर नहीं लगा है। अभी जो बताया कि एक ऑर्डर हुआ, तो भाई साहब उसके बाद एक भी ऑर्डर अभी नहीं हुआ है, पहला ही ऑर्डर वो कंप्लीट किया और वही अभी एक ऑर्डर हुआ है। फिर भी वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में लग जाता है ऑर्डर, और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, जोमेटो की आईडी जब से बंद हुई तब से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखो एक दो दिन में शायद खुल जाए तो अच्छा ही है, फिर भी देखते हैं यार क्या हाल है, बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। तो भाई जो बहुत देर बाद ऑर्डर लग गया, खैर फिलहाल तो यानी बहुत ही खुशी की बात ये है, 1:42 है, यानी 1:38 के आसपास ऑर्डर लगा था। दूसरा ऑर्डर है, आप स्क्रीनशॉट देखिए, 4.3 किलोमीटर जाना है और 41 रुपये शायद लगभग ऑर्डर है, यहाँ से ऑर्डर लगा हुआ बेचिंग से। तो भाई देखो कल हुआ क्या था यार, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी अचानक से। जो है हमारा पावर बैंक जो दोस्त लिए था, फिलहाल वो कहीं बाहर चला गया था इमरजेंसी, तो हमारा मतलब बैटरी चार्ज ही नहीं थी, किसी न किसी तरीके से मैं बैटरी चार्ज कर रहा था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था कि मोबाइल में ही चार्ज मतलब काम ही मतलब कल उम्मीद नहीं थी कि हम भाई इंसेंटिव पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल फाइनली इंसेंटिव हमारा कंप्लीट हुआ, और भाई कल काम मतलब स्विगी में जिस हिसाब से लोग बताते हैं काम नहीं होता, भाई अच्छा काम हुआ। आप लोग जो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो स्विगी और जोमेटो जो भी कंपनियाँ हैं, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन काम लगभग अभी हमारा जोमेटो में जितना होता तो उतना ही स्विगी में भी कोई कम नहीं हुआ है। और हमने 11 घंटे काम किया था, 11 घंटे में हमारा काम हुआ था, आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये ऑर्डर अर्निंग हमारी जो थी 641 रुपये थी। अब 641 रुपये आपको हम जोमेटो का बता दें तो हमारा जब 600 रुपये काम होता था 200 का पेट्रोल लग जाता था, ठीक है 200 प्लस ही हो जाता था, और यहाँ पे भी 641 का हमारा अगर काम हुआ, ऑर्डर अर्निंग की सब बात कर रहे हैं तो हमारा इस पर भी जो हमारा 230 रुपये के आसपास पेट्रोल लगा था, ठीक है 115 या 120 किलोमीटर हमारी बाइक चली थी, तो 230-240 रुपये पेट्रोल लगा था, जिसमें कि एक चीज़ और था 10 रुपये पर ऑर्डर, कुछ टाइम पे जो है 12 से 4 में और फिर 7 से 11 में 10 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा भी दे रहा था, 130 वो हो गया, प्लस इंसेंटिव भाई साहब इसमें परमानेंट ही रहता है, 200 रुपये इंसेंटिव है, तो ये कहीं कहीं हद तक जो है हमारा 200 रुपये पेट्रोल में मैनेज इंसेंटिव वाला हो जाता है, बोनस मिल गया, बोनस हमारा खर्चा निकल गया, 641 रुपये पूरा सेफ है 6 ML यानी 11 घंटे काम करने पर। इस तरीके से जो है कल हमारे थोड़ा सा मुसीबत तो ज़रूर आई, बैटरी वगैरह नहीं थी, लास्ट में मिल भी गया, तो ये हमारा जो है आपका पे आउट, हम इसी वजह से वीडियो कल नहीं बना पाए थे। आप लोग भी फाइनली जो है छोटा सा वीडियो आप लोग काम पे देख सकते हैं, बाकी आज फिर जाएंगे काम पे करने, यानी अब जो है आज का दिन होगा सैटरडे का, सैटरडे फिर काम करेंगे, और काम कितने का होगा ये भी देखा जाएगा। फाइनली आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, स्विगी में काम करने में कैसा आप लोगों का इंटरेस्ट है, और आप लोग मतलब क्या करना चाहते हैं स्विगी में। भाई देखो एक चीज़ और भी अच्छा रहता है, जब कोई एक टाइमिंग फिक्स होती है ना, हम जोमेटो में या कभी भी किसी भी काम में, जब भी जोमेटो में इंसेंटिव होता है उस दिन बहुत ही मज़ा आता है काम करने में। रीज़न उसका ये होता है कि हमको टारगेट अचीव करना होता है, टारगेट अचीव करने पे क्या होता है कि हमको जो एक मतलब रहता है कि हमको इतने घंटे करना है, और भाई साहब जिस दिन टारगेट नहीं होता, कहीं 4 बजे भगा रहे हैं, 12 बजे गए, कहीं 6 बजे चले आ रहे हैं, वही हाल हुआ कल, टारगेट जोमेटो में नहीं था, हमारा दोस्त आया और 6 बजे वहाँ से लापता हो गया काम से, तो ये होता है, अगर टारगेट होता है तो बहुत ही बेनिफिट होता है। वहीं पर स्विगी में क्या है, परमानेंट टारगेट होता है, तो भाई साहब वहाँ पर जो है लोग लगे रहते हैं काम पे, और 21 ऑर्डर करने थे, यानी आप लोग जानते भी हैं 5.5 किलोमीटर के ऊपर पे 1.5 ऑर्डर, इस तरीके से हमारे मात्र 18 या 17 ऑर्डर हुए थे, लेकिन वहीं पे हमारे टोटल ऑर्डर काउंट 21 हुए थे फिर। तो चलो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में काफ़ी आया होगा, और आप लोगों को काम का भी एक्सपीरियंस मिला होगा अपने माध्यम से, और मैं यही कहूँगा कि कोई भी कंपनियाँ ठीक है, कोई भी कंपनियाँ वो नहीं है भाई, जोमेटो की भी आईडी जो अनब्लॉक हो जाएगी उस पर भी काम करेंगे, स्विगी में भी अब तो काम करना है, और अभी भाई क्लाउड किचन का भी ओपन कर रहे हैं, एंड कुछ बहुत आप लोगों के सपोर्ट प्यार सपोर्ट से यूट्यूब से भी पेमेंट आ जाती है, तो भाई हो जाता है। फिलहाल इसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है, पैसा के बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं,
चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अभी तब तक आप लोग इंतज़ार करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी अपना भी काम करिए और परिवार के साथ में रहें भाई, परिवार को ज़रूर सपोर्ट करें भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं आज क्या वगैरह काम होता है और कितने काम होता है। 12 बजे फिर से चलेंगे, बल्कि कल क्या हुआ था भाई साहब, ऑर्डर हमारा और जल्दी अचीव हो जाता है। 11:10 पर हमारा लास्ट ऑर्डर लगा था, बल्कि अगर हम ये पे काम करते 12 से 2 में हमारे सिर्फ 2 ऑर्डर हुए थे। अगर 12 से 2 में और अच्छे ऑर्डर हो जाते, 1.5 घंटे में बैठे रहें तो काम अच्छा हो जाता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।